हे गाइस, मैं हूं अक्षय और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस यार, आज़ादी, हाँ आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, फ्रीडम, आप जो भी समझ सकते हो दोस्तों। आप सभी को पता है हमारे भारत देश को अंग्रेज़ ने कई सौ साल तक अपने अधिकार में किया हुआ था और उसी अधिकार को हम वापस छुड़ाने के लिए हमारे भारत माता के पैरों में जो बेड़िया बांध दिया था अंग्रेज सरकार ने, उसे तोड़ने के लिए हमारे ही इस देश के ना जाने कितनों को अपने प्राण का, अपने जान का कुर्बान करना पड़ा। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे देश के कुछ, हमारे भारत माता के कुछ वीर संतानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे के, अपने लहू से हमारे तिरंगे को भिगा करके ये आज़ादी हासिल की थी। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हमारे भारत माता के एक और सपूत के बारे में, जिनके नाम सुनते ही अंग्रेज सरकार अपना दुम दबा के भाग खड़ा होता था, और दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में पैदा हुए श्री श्री जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, यानी कि बाघा जतीन जी के बारे में। और इनको बाघा जतीन क्यों कहा जाता है ये मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हो, पहले ये घर नहीं था, यहीं पे धान का खेत था। और जहाँ पे बाघा जतीन जी और उनके साथी और अंग्रेज़ों के बीच में जहाँ मुठभेड़ हुआ था, एक्चुअली यही वो जगह है। और यहाँ बाघा जतीन जी और उनके एक और साथी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे, और बाकी दो को यहाँ के जो जेल है यहाँ, वहाँ पर फांसी दी गई थी। और एक को काला पानी, यानी कि समुंदर के बीच में एक छोटा सा द्वीप होता है, वहाँ भेज दिया गया था। तो दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे बाघा जतीन जी, यानी कि जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय जी का और उनके साथियों के प्रतिमूर्ति बनाया गया है। और उसके साथ ये बाघ यानी कि शेर भी बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो इधर। गाइस, अभी जो आप ये देख रहे हो, ये जो प्रतिमूर्ति है, ये बाघा जतीन जी हैं और ये शेर है। वो शेर को मारते हुए ये स्टैचू बनवाया गया है। इसी पर इस जो कहानी मैंने आपको बताया था कि इनको बाघा जतीन क्यों कहा जाता है, इसी प्रतिमूर्ति को देखते हुए आप शायद समझ गए होंगे कि उनको बाघा जतीन क्यों कहा जाता है। दरअसल बात ऐसा है, एक दिन वो अपना मामा के घर, यानी कि अपना ननिहाल गए थे। उनके मामा के घर के पास जो जंगल है, वो उस जंगल में गए थे, और उस जंगल में अचानक उनसे एक शेर का सामना हो गया, यानी कि बाघ का सामना हो गया। तभी उन्होंने क्या किया, अपना अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए वो जो शेर था, वो जो बाघ था, उसको बाघा जतीन जी ने मार दिया था। इसीलिए उनका नाम तब से बाघा जतीन रखा गया था। गाइस, ये जो जगह है, यहाँ पे ये जो घर बना हुआ है, आप देख सकते हो इस घर का हालत, इस घर का हालत देख सकते हो कितना टूट गया है, कितना ख़राब हो चुका है। फिर भी यहाँ के जो सरकार है उनको नज़र नहीं आ रही, उनको दिख नहीं रहा,
जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवा के दिया, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलाई, तो उनके स्मारक को ऐसे करके गए हैं। ये आप देख सकते हो, इसका हालत देखो एक बार, दुख होता है यार, सच में दुख होता है। आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये कैसे टूट गया है। अंदर एक लाइट तक नहीं है बिल्कुल पूरा। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो ये कितना टूट गया है। क्या यही है हमारा नेताओं का शहीदों के लिए सम्मान? आप लोग देख सकते हो पूरा एकदम टूट चुका है, अंदर से आसमान नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। और इस हालत में है आज हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, वो आज इस हाल में है, आप लोग देख सकते हो। दुख होता है यार। यहाँ पे लिखा गया है रक्त तीर्थ जतींद्रनाथ मुखर्जी बाघा जतीन, और उनके जो साथी थे उनका नाम भी लिखा गया है चितप्रिय रॉय चौधरी और नरेंद्रनाथ गुप्ता, नरेंद्रनाथ दास गुप्ता, ज्योतिष पाल, मनोरंजन सेन गुप्ता, 9 सितंबर 1915। गाइस, अभी मैंने आपको इस घर का हालत दिखाया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जतींद्रनाथ मुखर्जी जी वहाँ पे है, उनके लिए एक लाइट तक नहीं है, अंधेरे में है। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, घर तो मैंने आपको अंदर से दिखा दिया, पूरा टूट चुका है। और बाहर का साइड भी आप लोग देख सकते हो, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये सारा टूट गया है, आप लोग देख सकते हो ये सारा टूटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस यार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।